आज हम बनाने जा रहे हैं सुबह का नाश्ता 5 मिनट में फ्रेंच स्माइली। वीडियो को आखिरी तक देखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए हाफ के जी आलू उबाल लेते हैं कुकर में रख के। आलू उबलने के बाद छील लें। यहाँ पर देखिए सारे मैंने आलू छील लिए हैं। आलू को कद्दूकस कर लें। देखिए हमने बड़े सुराखों से करा है, इसमें महीन भी है मगर हमने महीन से नहीं करा है, बड़े सुराखों से करेंगे तो भरता हमारा अच्छा रहेगा। अब हमने सारे आलू को कस लिया है। यहाँ मैंने हाफ के जी आलू लिया था, उसमें हम सिर्फ छोटे 4 चम्मच ही आरारूट मिलाएंगे। अगर आप आरारूट ज़्यादा मिला देंगे जो आपके स्नैक हैं वो थोड़ा सा इसमें तेल भर जाएगा और अच्छे नहीं बनेंगे। अब आरारूट में 1 चम्मच कुटा लाल मिर्च डालें। अब स्वाद अनुसार नमक डालें। अब 1 चुटकी फूड कलर डालें। पानी हमें नहीं डालना है, बिना पानी के ही गूंदे। आलू गीला होता है, आरारोट इसमें ही अपने आप मिक्स हो जाएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। देखिए अच्छे से गूंद लिया है। अब थोड़ा से हाथों की गदेली में तेल लगाएं क्योंकि आलू हाथों में चिपके ना और लोई अच्छे से बन जाए। देखिए अब हमारी लोई अच्छे से बन चुकी है एकदम गोल। अब हम लोई को पत्थर पे नहीं बेलेंगे, इसको एक पॉलीथीन पे ही बेलेंगे, नहीं तो हमारा आलू पत्थर पे चिपकेगा। अब पॉलीथीन में तेल लगाएं। लोई को हाथ के सहारे से थोड़ा से फैला लें। अब पॉलीथीन पे रख के हाथों के सहारे से थोड़ा से और फैला लें। अब बेलन में हल्का से तेल लगा लें बेलने के लिए, नहीं तो आलू इसमें चिपक जाएगा। अब बेल लें, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है हमको, में थोड़ा से हल्का से मोटा रखना है क्योंकि वो तेल में फूट जाएंगी या फैल जाएंगी। बेलने के बाद आपके पास कुकिंग कटर ना हो तो किसी आप ढक्कन के सहारे से भी काट सकते हैं। देखिए सारे हमने काट लिए यहाँ पे। अब एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दें। अब इसमें आंख और मुंह बना लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही सारी स्माइली बना लीजिए।
देखिए सारी स्माइली बन चुकी है। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम एक एक करके सारे इसमें डालेंगे। स्लो फ्लेम पे ही पकाएं, हाई कर देंगे तो आपकी स्माइली थोड़े से अंदर कच्चे भी रह जाएंगे और जल भी जाएंगे। अच्छे से इसको पलट पलट के फ्राई कर लें। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब निकाल लें। ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं, अब मीठी चटनी के साथ सर्व करिए, बच्चों को ये ज़्यादा पसंद आते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक्स।